सर जमहूरियत देखनी है ना, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहां तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया, बात ये है, ये हर एक ये कहता है सर कि वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामेंट के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझेंगे। तब ये लेते तो बेसिकली बेनिफिट भी होता, और आज इसको जैसे इंडिया रिफाइन करके यूरोप को दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज को, हम भी उसको यूटिलाइज करते और उसका काफ़ी बेनिफिट भी होता, लो रेट भी होता। तो आपको पता सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने कहा हमने नहीं देने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक गया सब, पूरा निज़ाम ही बिक गया। वो शरई निज़ाम नहीं है, वो जालमाना निज़ाम है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? हाँ, मैं लोग खुश हैं, क्या हो गया? वो शरई निज़ाम को अब जालमाना निज़ाम कह रहे हैं? नहीं, शराई निजाम जालमाना निजाम होता है। तू जाके तो वहाँ पे देख, तू जाके तो वहाँ पे देख। ये कह दें कि वो वहाँ पे शराई निजाम नहीं है। आप ये देखे 2000, जब 2000 आया ना, हम तकरीबन इक्वल थे इंडिया और हम, इतना फर्क नहीं था। लेकिन जब वहाँ मनमोहन सिंह की आई हुकूमत, उन्होंने इकोनॉमिक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसको मोदी ने भी अडॉप्ट किया, वो आईटी यूनिवर्सिटीज बनाई, वो 20-25 साल में एक पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। हमारे इधर साल बाद, 2 साल बाद तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। ये जो अफगानिस्तान है ना, आज तक इसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। ठीक हो गया। बेशक वो तालिबान आया, क्या वजह? उसकी वजह यही कि हमने 2 बार, एक बार रशिया के साथ गया, तभी हमने अड्डे दिए। हकीकत को आप जुटा नहीं सकते अंकल जी, तारीख पढ़े आप। वो इसलिए नफरत की नजर से देखते हैं अफगानिस्तान, आपने 2 बार उनके घर को तबाह करवाया है, आपने साथ दिया पूरा पूरा। अंकल से पूछते हैं, अंकल जी इधर मेरी बात सुने, अफगानिस्तान को छोड़ दें, बांग्लादेश के रिलेशन क्यों इंडिया के साथ बेहतर है, ये बताएं। यार देखो बात सुनो, जो बांग्लादेश है ना, जो जो अपना अल्लाह आपका भला करे बंगाली जी, वो बंगाली शुरू ही से मतलब के समझने के गद्दार है, क्योंकि एक हाँ है कि ये साथ ही हमारे ईरान है, कोई दूर नहीं है, वहाँ से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन वहाँ से नहीं लेना हमने, हमारा आका नाराज हो जाएगा। नहीं, वो तो इस्लामिक कंट्री है, जो मतलब हमें बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री सारे यूनाइटेड हैं, OIC में सबका ग्रुप है, ये वो है, तो हम उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? वैसे ट्रेड हर एक के साथ करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि आका नाराज हो जाएगा हमारा। आका मतलब अमेरिका, और कौन? अमेरिका तो एक तरफ हम अमेरिका को दुश्मन कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को एड भी तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनको एड भी वहाँ से आती है। अच्छा, तो सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, लेकिन लीडरशिप अब वहाँ गई, वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो ईरान से चाइना भी ले रहा था, उनके ऊपर भी कोई अभी भी इवन ले रहा है, चाइना तो अभी भी ईरान से ऑयल ले रहा है। लेट्स सपोज रशियन ऑयल की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में उस लेवल की रिफाइनरीज हैं, उस लेवल की टेक्नोलॉजी मशीनरी है कि वो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें? उसे कुछ भी नहीं है। तो फिर ये सब ड्रामा है। हमने लिया ऑलमोस्ट 64-65 डॉलर के हिसाब से हमने जो ये लिया है, लेकिन इसके ऊपर हमने रिफाइन करवाना, ये तो फिर हमें उसी कॉस्ट पे पड़ गया। और पहले ही कौमी खजाने में कुछ नहीं, रिफाइन कार से कराना है, ये एक ट्रॉफी ड्रामा खेला गया जी, ये होगा फलान होगा, कि तो आपको पता है इलेक्शन आ रही है, ये इलेक्शन की वजह से सारा प्रोपगंडा हो रहा है, और होना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, सबको पता है। जब नई नई रशिया यूक्रेन की वार हुई थी, मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक क्या सोच रखती है इस मामले में। रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई, उस टाइम पे रशिया पे प्रेशर था कि कोई ऑयल ना ले, सैंक्शन थी, ठीक हो गया, उस टाइम पे जिन कंट्रीज में लिया उन्हें डिस्काउंट भी मिला, रिलेशन भी बेहतर हुए, तो क्या पाकिस्तान उस टाइम पे अगर ले लेता? हाँ, उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था, जहाँ एक चीज प्रोडक्ट आपको सस्ती मिली, आपने अपने मुल्क के लिए सोचना ना, आपने किसी को अमेरिका को कितनी दूर खुश किया आपने, कितने अरब डॉलर हमारा दहशत गर्दी के ऊपर, उसने फिर भी कहा डू मोर, ठीक है, डू मोर का बिल्कुल कहा, वो तो खुश होते ही नहीं है, उनका तो मतलब वो कहते हैं कि तबाही हो जाए, तो बर्बाद हो जाए, और उन्होंने कर दिया बर्बाद। तो हम बेवकूफ हैं, हमने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम भी लिया, टेररिज्म का जो उनसा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, रिलेशन अपने अफगानिस्तान से ख़राब कर लिए, आज इकानमी हमारी डाउन है, अगर कोई काम करना पड़ता है वो आपके बकौल कि हमें वो अमेरिका आका से पूछ के करना पड़ता है, तो हम बेवकूफ़ हैं, हम ये चीज़ें क्यों नहीं समझते? हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लालची हैं, हम गुलाम हैं, बेसिकली बात यह है सारी, जो यहाँ से जो गुलामी है ना, वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ दे, सारे इनके जो मफाद हैं वो बाहर हैं, उनको पता है आज हम आगे खड़े हो जाएंगे अमेरिका के, जो उनकी बात ना मानी तो क्या होगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, इनको अपना नुकसान होना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें 1947 में वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से। सर जमहूरियत देखनी है ना, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है,
हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहां तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया, बात ये है, ये हर एक ये कहता है सर वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ठीक हो गया, हमारे यहाँ पे ये चीजें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? सर वो तब आएंगी जब ये कौम अपने पाँव पे खड़ी होगी, कि कहेगी कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं। ये जब तक ये कौम के अंदर शोर नहीं आएगा, हम बटे हुए हैं सियासी पार्टी के अंदर, हम सूबों के अंदर बटे हुए हैं, जब तक ये अवेयरनेस ही नहीं आएगी, जब तक हमें सही तरह, हमारा मीडिया भी ठीक तरह से नहीं बताता ना। ये भी बात है, जो सबसे नेगेटिव रोल है इस टाइम वो मीडिया का है। ये है। मीर जाफर मीर सादक बैठे हुए, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो सही रिपोर्टिंग कर रही है उसके अंदर थोड़ा सा। चले ठीक है, आपकी बात ठीक है, मीडिया का रोल है अच्छी खबर, मतलब जो ऑथेंटिक खबर है सच है वो नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल बन चुका है जो सच दिखाता है उसे झूठ कह दिया जाता है, उसे कह दिया जाता है ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एजेंडे भी काम हो रहा था ना पिछले 3.5 साल। ठीक है, वो खान साहब की एक यहाँ पे पता नहीं कितने फिर रहे होते, महंगाई कितनी होगी, महंगाई कितनी होगी, अब कोई नहीं आता यहाँ पे पूछे, यूट्यूबर फिर रहे होते हैं यहाँ पे बेसिक। एक प्रोग्राम को जब दे, ये मंसूर अली खान, ये पता नहीं कितने प्रोग्राम किए खान के दौर में जी, कितनी महंगाई होगी देखें, लुट गया, बर्बाद हो गए, अब नहीं आते। इंटरनेशनल कंट्रीज हमें इस टाइम पे किस नजर से देख रही हैं आपके ख्याल में? इवन बांग्लादेश की बात करें वो किस नजर से देख रहे हैं? भिखारियों के जिस नजर से देखा जाता है उसी नजर से देख रहे हैं। किसे? हमें और क्या, कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी, हमें खुदा का वास्ता मैं भीख दे दो बर्बाद हो, कोई अपना ही पैसा ले आओ पाकिस्तान, मैशत भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका नाम क्या था? मेरा नाम हैदर। हैदर भाई, ये बातें करते हुए दुख नहीं होता, मतलब कि हम भिखारियों की तरह फिर रहे हैं, हमारी कोई वैल्यू, ये मतलब दुख नहीं होता कि मैं ये आप अपने आप को कह रहे हैं, मतलब अगर पाकिस्तान को कह रहे हैं तो ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ। जो जो हम एक मुल्क का सरबराह होता है वो पूरी कौम का एक चेहरा होता है, ऐसे ही है, ऐसे नहीं होता। आप ये जहाँ पे जाते हैं पहले वो देखते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ऐसे ही है, वो थ्योरी उस हिसाब से डील करते हैं ना, ऐसे मुंह उठा के तुर्की चले गए, मैं जी आपके लिए आमों का तोहफा लेके आऊँ, भाई आपको बुलाया किसने, इस तरह तो ये अपनी इज्जत खराब करते हैं, अपने खुद के रिलेशन बनाते हैं, मुल्क के मफाद इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है ये। अच्छा ये आप ये बताएंगे एक साल पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात है? ये तो आए थे मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए, दिन बा दिन खराब हो रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वर्थ है, कभी वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी वो जापान जाते हैं, कभी वो यूएस जाते हैं, और हमें यहाँ पे जो उनका बताया जाता है वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। इसलिए कह रही है ना कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मुल्क मईशत उनकी बेहतर हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टांगे खींचने वाले एक दूसरे के टांगे खींचने में लगे हुए हैं भाई, वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अमेरिका नहीं कर सकता, अमेरिका इवन वो आपको पता सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे जी, जी। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने कहा हमने नहीं देने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक गया सब, पूरा निज़ाम ही बिक गया। तो आज उनका यही मौलाना फजलुर रहमान, इसने सिग्नेचर किए थे, ये ड्रोन हमले जो होते रहे हैं इनके दस्तखत है। नहीं तो ये जो उन्होंने डिसीजन लिया उस टाइम पे कि भाई हमने नहीं आपको अड्डे देने, क्या आज वो उस डिसीजन अच्छे डिसीजन का फायदा उठा रहे हैं? आज अमेरिका उनकी फेवर कर रहा है, उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका छोड़े, अफगानिस्तान उनकी फेवर कर रहा है, अफगानिस्तान की सबसे बात हमारे पाकिस्तान भी नहीं की, लेकिन हमने ही उनको रास्ते दिए ना, अपने भाइयों के ऊपर हमले जो की और करवाए, हमने बेस दिए, हमने सब कुछ दिए, अड्डे सब कुछ हमने दिए ना, आज क्यों? क्योंकि उनसे पहले मांगे तो उन्होंने नहीं दिए। ठीक है, अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंडिया जाके कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, बिल्कुल उनकी पार्लियामेंट वो बना रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेंड कर रहा है, उस सर सब कुछ ही कर रहा है ना, उनको पता है। ठीक है, क्या क्या ये भी तो देखो, अगर उसने इन्वेस्टमेंट की और वहाँ पे इंडिया ने, तो उसका हाल क्या हुआ? क्या हाल हुआ जनाब? वो आपके आपके सामने उनका जो लगा हुआ था, उन्होंने एक आना भी उसे वापस नहीं किया। नहीं नहीं, अभी की अगर अभी की बात कर रहे हैं, अभी जो इंडिया और अफगानिस्तान तालिबान के साथ जो रिलेशन है, क्या बेहतर नहीं है? यार तालिबान को तो एक साइड पे छोड़ दें, वो तो जो ना वो तो किसी को मानते नहीं है। ठीक है, पहली लेकिन शरई निज़ाम लाए हैं वो यार, ऐसा वो शरई निज़ाम नहीं है, वो जालमाना निज़ाम है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? हाँ, मैं खुश है, क्या हो गया? शरई निज़ाम को अब जालमाना निज़ाम कह रहे हैं? नहीं, शराई निजाम जालमाना निजाम होता है। तू जाके तो वहाँ पे देख, तू जाके तो वहाँ पे देख, ये कह दें कि वो वहाँ पे शराई निजाम नहीं है, आप ये कह दें? नहीं 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 है, वो जनाब वो जालमाना निजाम नहीं, वहाँ पे निजाम शराई है या नहीं? जाल वो जालमाना निजाम है क्या? मेरा मतलब वहाँ पे कोई
लेडीज मुलाजमत नहीं कर सकती, कोई तालब कोई मतलब कोई स्टूस कोई अपनी लड़की को पढ़ नहीं सकती जनाब, पहले लड़की कोई बाहर नहीं आ सकती। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे जहाँ पे जो गलत है, लेट्स सपोज अगर ऐसा है एजुकेशन पे पाबंदी है तो गलत है। अगर नहीं है, हमने कोई ऐसी खबर नहीं सुनी, ये बाबा जी के पास अपनी को सोशल मीडिया की खबर हो। अब ये खबर कहाँ से सुनते हैं, मतलब कौन सी ये जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे अखबारों वगैरह में सुनते हैं, ये बात है, ये सच्चे हैं बिल्कुल। एक मिनट बात सुनो, अखबारों में लोग लेकिन लोग लेकिन मेरे जो मतलब कुछ दोस्त हैं जो कि अफगानी हैं, अच्छा वो भी हमें वो भी बताते हैं कि यार उधर ये मतलब क्या है, ये बताएं। वो फिर अगर इतना बुरा है वहाँ पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं है तो वो क्यों इंडिया के, यार पहले उनके साथ थी बिल्कुल, जब उसका दौर था, क्या नाम था उनका अफगानिस्तान और तालिबान से पहले, गनी का उधर हाँ उधर मतलब क्योंकि शुरू ही से जब से पाकिस्तान बना है, क्योंकि ये लोग ये जो अफगानिस्तान है ना, आज तक इसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया, बेशक तालिबान आया। क्या वजह? उसकी वजह यही कि हमने दो बार एक बार रशिया के साथ गया, तब भी हमने अड्डे दिए। हकीकत को आप झुठला नहीं सकते अंकल जी, तारीख पढ़े आप, वो इसलिए नफरत की नजर से देखते हैं अफगानिस्तान। आपने दो बार उनके घर को तबाह करवाया, आपने साथ दिया पूरा पूरा, जिसने भी अमेरिका का पहला रशिया का, एक मिनट किसने साथ दिया रशिया का एक मिनट, ओ भाई रशिया को तो जनाब अली निकालने वाला जनरल ज़ियाउल्लाह जनाब अली था, लेकिन जिसके जिस जरिए से निकाला, जो मुजाहिदीन ट्रेंड किए और डॉलर कहाँ से आए, वो यूएस से डॉलर नहीं आए, वो नहीं बताना ना, वो बताना, वो क्या, वो एक अलग बात होगी, एक अलग बात है। देखे ये क्या चीज है, ये अंदर की बातों का हमें इतना इलम नहीं, अंदर की बातों का भी खबर होती है, जदीद दौर है, सब कुछ पता है। ये अच्छा, और दूसरे नंबर पे अंकल जी, ये मकसद नहीं होता कि हम पाकिस्तान को, मतलब ये है कि उनके अच्छी अच्छी चीज़ों को छुपाएं और पूरी चीज़ों को आगे ले, मकसद ये है कि जो सच है उसे आगे लाना चाहिए, अदरवाइज हम हमेशा परेशानी में रहेंगे। क्या ये देखे ना अफगानिस्तान, चलो छोड़े जी, वो जो भी हो गया, आप हमारे साथ ही बांग्लादेश है 71 में लादा हुआ, आज देखे मईशत कहाँ पहुँच गई, उनकी इकॉनमी चेक करें। अंकल से पूछते हैं, अंकल जी इधर मेरी बात सुने, अफगानिस्तान को छोड़ दें, बांग्लादेश के रिलेशन क्यों इंडिया के साथ बेहतर है, ये बताएं। यार देखो बात सुनो, जो बांग्लादेश है ना, जो जो अपना अल्लाह आपका भला करे बंगाली जी। वो बंगाली शुरू ही से मतलब के समझ लेके गद्दार है, क्योंकि एक हाँ मैं उसका सबूत देता हूँ। 1947 कराची में गालबन ढाका में ना, कायदे आजम ने ये जलसे में कहा था कि अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये मेरे खोट मतलब सिक्के मैंने खोटे जेब में डाल लिए, तो मैं जनाबे इनको कभी भी मतलब के ना, वो उन्होंने बिल्कुल बात की थी, लेकिन उन्होंने बंगालियों का जिक्र नहीं था किया, सियासतदानों की बात हुई थी, ठीक है। उस वक्त के सियासतदानों जो बीज बोए थे आज वो ही चल रहे हैं, ये उनके ही सिक्के जा रहे हैं। खैर ये बताएं, आधी खबर आती है, पूरी खबर क्यों नहीं आती, आधी छुपा दी जाती है, मकसद ये है जो सच है पूरी दुनिया तक आना चाहिए, पाकिस्तान से जो खामियां जो गलतियां हुई हैं उसे हम माने और आगे बेहतरी की तरफ जाएं, वो कैसे आएगा, मतलब ये अगर अंकल जी बात कर रहे हैं, देखें इन्हें बताया जितना गया, जितना समझाया गया उतना उन्होंने बोल दिया। सर उस वक्त अखबार पे सर उस वक्त भी इस तरह के दो नंबर रिपोर्टर थे जो आज मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, जिन भट्टो के खिलाफ क्या गया कि मीडिया के ऊपर नहीं हुआ, हुआ था ये नहीं होता, हर दौर में किसी ने कहा जी भट्टो ने ये कर दिया, भट्टो ने वो कर दिया, मुजीबर रहमान शामी की अक्सरियत थी, उस वक्त अक्सरियत थी और उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, उसे मानना चाहिए था। खैर यही चीजें हैं, जब तक हमारे तक हाफ इन्फॉर्मेशन आएगी आई थिंक वो ज्यादा नुकसानदेह होती है, जब तक हमें हमारी गलतियों का पता नहीं चलेगा हम उन गलतियों को बेहतर कैसे करेंगे। ये जो पब्लिक खड़ी है यहाँ पे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जब इनसे पूछा जाएगा कि बताएं अब हमारे इंडिया के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर, तो वो यही कहेंगे जुल्म हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन जब ये पूछा जाएगा अफगानिस्तान के रिलेशन क्यों बेहतर हैं, वो भी तो इस्लामिक कंट्री है, जब ये पूछा जाएगा बांग्लादेश के रिलेशन क्यों बेहतर हैं, वो भी तो इस्लामिक कंट्री है, ईरान के इंडिया के साथ रिलेशन क्यों बेहतर हैं, जिस मुल्क की तकसीम हो ना, अभी आप मतलब देख लें, शुमाली कोरिया देख लें, जनूबी कोरिया देख लें, मशरकी जर्मनी देख लें, और मगर भी जर्मनी देख लें, वो उनकी मेरा मतलब आपस में उनकी बिल्कुल क्लैश रहते हैं। यूरोप में वर्ल्ड वार हो चुकी है, तो वो तो इकट्ठे रहते हैं, कौन यूरोप वाले इकट्ठे नहीं रह रहे, मिलके नहीं रह रहे, एक ट्रेन में पूरा यूरोप, आप कितने
मैं सिर्फ मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ और शुमाली कोरिया की, वो तो खैर एशिया में आ गई, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे चंद और भी लोग हैं समझ, क्योंकि जिस मुल्क की तकसीम हो ना, तकसीम हो जिस मुल्क की, वो मेरे ख्याल में कि वो इकट्ठे वो नहीं रह सकते, क्योंकि उनके उनके दिलों में नफरत होती है। आप क्या कहेंगे इस बात से, एग्री करते हैं अफगानी अगर